तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम व्लॉग मोटो व्लॉग नहीं बना पाए ड्यू टू सम रीजंस कि मतलब हम पहले सोचे कि ड्यूटी पे जाए, तो ड्यूटी पे हम चले गए। फिर हमको बुलाया गोलाघाट पे, गोलाघाट पे हमको बुलाया गया, मतलब कुछ लाइसेंस का काम था बोल के। तो हम लाइसेंस का काम अपना कंप्लीट करने के लिए चले गए। अपना बड़ा भाई जो गुवाहाटी से आया था वो भी साथ में गया था, तो हम उसके मतलब स्कूटी पे गए थे। तो लास्ट में उसने बोला कि हम वापस नहीं आएगा, तुम विंगर से चले जाओ, ऐसे बोल दिया। फिर हम सोचा कि ठीक है, ज़्यादा टाइम मोटो ब्लॉक कर लेंगे, फिर आने का टाइम में वो सारा सामान मतलब साथ में लेके आना पड़ेगा, बहुत झमेला होगा, कहीं पे टूट वूट गया तो फिर तो मतलब मेरा फटका लग जाएगा। तो इसीलिए अपन ने मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, तो इसीलिए आज ऐसा ही हो गया। और जो हम ड्यूटी आज मारने जा रहे थे, मतलब जिसके साथ हम थोड़ा टाइम स्पेंड किए थे ड्यूटी के नाम पे, तो वो मतलब मेरे काफ़ी अच्छे मतलब बड़े भाई के जैसे ही मतलब इंसान थे, तो इंसान ही होंगे तो मतलब अपने बड़े भाई थे, तो काफ़ी पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो वही हम उनको बोले कि ऐसे अपना मतलब लाइसेंस के वास्ते अपने को जाना पड़ेगा, लाइसेंस की कसम हमको जाना पड़ेगा। तो अपन मतलब बोला कि ऑफिस पे मत बताना वरना बहुत सारा गाली देगा शायद, तो नहीं भी दे सकता था क्योंकि जो ऑफिस के मतलब भाई लोग थे, मतलब जो बॉस है या मतलब मैनेजर, वो लोग मतलब अपने साथ स्पेशली मतलब अपने साथ बहुत अच्छे थे, क्योंकि बाकी सबको गालियाँ भी अगर मिल जाए कभी तो अपने को कभी नहीं मिलती, क्योंकि अपने को पहले से जानते हैं। और एक अपना दोस्त है वो मतलब वहीं पे रहता है ऑफिस पे, तो कभी हम ऑफिस का भी अपना टूर दिखाएंगे, मतलब अपने हब का। तो आज वीडियो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बात वही था। और गणेश पूजा था आज, और एक दोस्त अपना मेरे को मतलब ज़्यादा नाम अच्छे से याद नहीं है, तो उसने पूछा था कि मतलब बेस्ट हेलमेट दिखाओ, तो हम एक SMK का हेलमेट आपको दिखा रहे हैं, इस तरफ पे देखिए। और एक है क्या बोलते हैं एक्सोर का, एक्सोर वेनम, तो ये देख लीजिए एक्सोर वेनम। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी हेलमेट ले सकते हैं, तो ये दो हेलमेट जो है वो बहुत ही अच्छे हेलमेट है मेरे हिसाब से। स्पेशली अगर हम बोले तो अगर आप स्पोर्ट्स बाइक मतलब चलाते हैं तो एक्सोर वाला ले, और अगर आपको क्रूज़र बाइक चलाना आता है, मतलब आपके पास क्रूज़र बाइक है, तो आप SMK पे भी जा सकते हैं, या तो आप MT ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं क्लोज़। तो कुछ पहचाने वाले लोग मतलब आगे माथा तो हिलाना पड़ेगा, तो हिला दिए, बाकी वही है। तो होप यू ऑल लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं कल, बाय बाय।